Morning, very good morning. My name Rupesh Shah and I am preparing the videos of accountancies and statistics for each and every semester of the commerce particularly. मैंने पहला वीडियो जो बनाया था वो कंसाइनमेंट का था और मेरी ये कोशिश रहती है कि एक ही सम में आपको पूरे चैप्टर का एटलीस्ट 60-70% नॉलेज मिल जाए और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर एक सम लाइव हो. आई एम नॉट यूजिंग एनी कैलकुलेटर एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग लाइव ऑन द बोर्ड. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जॉइंट वेंचर के लिए एंड आई एम डैम श्योर दैट यू आर गेटिंग एब्सोल्यूटली 100% आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, तो जो जॉइंट वेंचर है वो अकाउंटेंसी FY BCom सेम 1, वहां पर इस चैप्टर को पूरा यूनिट दिया है. इसका मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन कंपल्सरी पूछने वाले हैं. एनी और मा कोई पण चैप्टर नहीं गुजराती में कहिए तो. यूजुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग दिस बिग सम ऑफ दिस चैप्टर और में शायद थियरी भी हो या छोटा सम भी हो थियरी के साथ. लेकिन आई एम डैम श्योर अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है आज के लेक्चर की, यू आर नॉट लूजिंग एनी मार्क्स इन दिस यूनिट. ओके, व्हाट इज जॉइंट वेंचर? मोर देन वन पर्संस आर डूइंग सम बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर मिशन वेंचर और सपोज दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज. कोई ब्रिज बनावानो कॉन्ट्रैक्ट ले, कोई फ्लैट रिनोवेट करवानो कॉन्ट्रैक्ट ले, स्कूल बनावानो कॉन्ट्रैक्ट ले. इन दिस केस इट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉलोइंग अकाउंट्स. ओके, इसमें मैंने जो पहला सम लिया है यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको PDF भेजा है तो आप प्लीज चेक करें वो PDF जहां पर पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. सो व्हाट इज द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर? बिल्कुल आसान, जो कंसाइनमेंट में था यूजुअली ऐसा ही है. यहां पर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड. सिंपल अकाउंट, 11th स्टैंडर्ड का ले लो, 12th का ले लो या कोई भी अकाउंट ले लो. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड. और ये जो बैंक अकाउंट है जॉइंट बैंक अकाउंट, इसमें क्या रूल है? वेरी सिंपल, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट. गुजराती में कहिए तो आवे तो उधार अने जाए तो जमा. बहुत आसान रूल्स है. मैं ये सम इमीडिएटली स्टार्ट कर रहा हूं, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी. एंड इनफैक्ट आई एम डूइंग ऑल द टोटल्स लाइव. तो यहां पर कोई मेरे पास अभी तो कैंसिल नहीं है. आई हैव नो नॉट मच मोर नॉलेज अबाउट द कैलकुलेटर, सो मैं पूरे टोटल्स अपने आप ही करता हूं इफ पॉसिबल. बराबर, ओके. तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है ये 12 नंबर का है. You can see that it has been asked for more than 6 times in the universities. अच्छा सम है और ये तय करेगा आपका इस यूनिट में क्या हाल होने वाला है. But if you are attending the lecture, you are getting all the marks in this type of sums. Okay? I am expecting 2 or 3 videos of this unit. So let us hope for the best. Kirit, Nilesh and Rajesh agreed to construct a building for a company. 3 पार्टनर्स है, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं कंपनी के लिए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, नथिंग वरिंग अबाउट इट. दे डिपॉजिटेड 5,40,000 इन देयर जॉइंट बैंक अकाउंट. 5,40,000 अवे 3 पार्टनर्स हो बराबर, त्रणे जना अमुक अमाउंट बिजनेस में लावे. सो कितनी अमाउंट हम तीनों मिला के ला रहे हैं? 5,40,000 and it is in the ratio of 3:2:1. Okay, so let me start calculations. 5,40,000 है. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैं यहां पर कर रहा हूं. $270, $180 and $90. ये आप कैंसिल पे करना, मैं यू ही डायरेक्ट करता हूं. ओके, सो 3 अमाउंट्स हम 3 पार्टनर्स बिजनेस में ला रहे हैं. सो सिंपल अकाउंटिंग, कैश कम्स इन डेबिटेड. यहां पर कैश के बदले क्या है? बैंक. सो बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे हम? क्रेडिट. सो लेट मी स्टार्ट नाउ. टू किरिट्स कैपिटल अकाउंट कितने हैं? 270. To N's capital, it is 180. To
R's capital, that is 90,000. सिंपल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग खत्म होनी सादी. यहां पर डेबिट किया तो आप तीनों में क्या करेंगे क्रेडिट. ओके सो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बाय जॉइंट बैंक नो प्रॉब्लम. वी आर वी थ्री फ्रेंड्स आर डूइंग द बिजनेस. ओके वी आर ब्रिंगिंग 5,40,000. हमें त्रणे भेगा थईने 540 लाया. सो कैश कम्स इन द बिजनेस. रोकड आवे तो उधार. कैश कम्स इन डेबिटेड. यहां पर डेबिट किया और तीनों को क्या कर दिया हमने क्रेडिट. दो इफेक्ट हर एक ट्रांजेक्शन की. अगर अकाउंट आपको बहुत बढ़िया बनाना है तो याद रखना. ओके उसके बाद आगे जा रहे हम लोग. एक्सपेंसिज वेर एज अंडर अमाउंट पेड. बी केयरफुल. एक्सपेंसिज एज अंडर अमाउंट पेड फ्रॉम देयर ज्वाइंट बैंक अकाउंट. हमने बैंक खोला है. बैंक में अकाउंट खोला है. वी कैन यूज द वर्ड सेम. एंड वी आर डूइंग द एक्सपेंसिज. इंग्लिश शब्द इनकर्ड पेड अने गुजराती शब्द चुकवू. 1, 2, 3. एक्सपेंसिज आर डेबिटेड. बधाने खबर छे खर्चा उधार थाय. सो आई एम डेबिटिंग द एक्सपेंसिज. और किसमें से पेड किया हमने ज्वाइंट बैंक में. सॉरी अमाउंट पेड फॉर द बिजनेस. ओके तो यहां पर लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक क्योंकि पेमेंट तो उसमें से ही होगा. वेजिस 390. ओके थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं. वेजिस 390. मटेरियल 610. प्लांट 40,000. आप जरा कैंसिल पे करें. ओके डेबिट. यहां पर मैं क्रेडिट करूंगा बाय जॉइंट वेंचर 1040. इज इट क्लियर? श्योर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? जरा वीडियो जो लो. या एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड प्रॉपरली. द नंबर्स हैव बीन सीन क्वाइट प्रॉपरली. ओके तो यहां पर मैंने डेबिट किया. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड विच अकाउंट्स क्रेडिटेड. जॉइंट बैंक बिकॉज दे आर पेड फ्रॉम बैंक. उसके बाद आर्किटेक्ट फीस पेड बाय क्रेडिट. याद क्या रखने का है? एक्सपेंसेस डेबिट तो करने के ही है लेकिन यहां पर किसने पेड किया? क्रेडिट ने. तो यहां लिखेंगे टू मिस्टर क्रेडिट आर्किटेक्ट फीस. कितनी अमाउंट है? इट इज 30,000. इमीडिएटली क्रेडिट करेंगे बाय जॉइंट वेंचर 30,000. और इट एक्सपेंसिज आर डेबिटेड. अब पार्टनर्स पेड कर रहे हैं तो उसके अकाउंट में ले जाएंगे. मिक्सर मशीन ब्रॉट बाय मिस्टर नीलेश 55,000. यहां पर क्रेडिट करेंगे मिस्टर नीलेश. उसके बाद व्हीकल्स ब्रॉट बाय मिस्टर राजेश 40,000 टू राजेश. शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय ऑल. वेल पता चल रहा है. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. शुरुआत के एक्सपेंस बैंक में पेड हुए थे बैंक में से तो मैंने बैंक में लिखा. बाकी के एक्सपेंसेस पार्टनर्स ने पेड किए तो मैंने उसका नाम लिखा. ओके आगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क. वर्क पूरा हो गया हमारा जो जॉइंट वेंचर था वो. मिस्टर किरिट टू कवे द मटेरियल्स इन स्टॉक फॉर 25,000. अबे तुम्हें समझो एक वस्तु. अगर हमारा वेंचर पूरा हो रहा है तो स्टॉक बचेगा. असेट्स भी बचेगी स्टॉक भी बचेगा और यहां जो भी बचता है वो कौन ले जाएगा? शायद पार्टनर्स. तो व्हाट इज इट फर्स्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क मिस्टर किरिट टूक अवे द मटेरियल्स फॉर 25,000. सिंपल रूल. जो मटेरियल यहां डेबिट करियो. नाउ इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर. यहां डेबिट था तो क्या करेंगे? क्रेडिट. जाए तो जमा वो जमे क्रेडिट लेकिन किसने लिया है? बाय मिस्टर किरिट
material 25,000. Immediately to joint venture 25,000. Got it? पहले डेबिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, सो गोज अवे क्रेडिटेड, जाए तो जमा. मिस्टर नीलेश टूक अवे द मिक्सचर फॉर 20,000. नीलेश इज टेकिंग मिक्सचर. इमीडिएटली टू जॉइंट वेंचर 20,000. देन आफ्टर मिस्टर राजेश टूक अवे व्हीकल्स फॉर 30,000. कितनू सिमिलर थे यार, हाउ सिमिलर दिस वन इज. बहुत आसान है. मिस्टर राजेश टूक अवे द व्हीकल्स फॉर 30,000. बाय राजेश व्हीकल्स 30,000 एंड इमीडिएटली टू सॉरी यहां पर टू जॉइंट वेंचर 30,000. बराबर. नेक्स्ट प्लांट रियलाइज्ड रुपीज 10,000. रियलाइज यानी बेचा. कितने में बेचा? 10,000. सो व्हाट इज टू बी डन. आपने रियलाइज किया, सोल्ड किया, दोनों का मतलब एक है. तुम्हे कोई पण असेट सोल्ड करो. यू आर सेलिंग एनी असेट इन अकाउंटेंसी. कोई पण मिलकत बेचो. कैश कम्स इन तो कैश में क्या करेंगे? डेबिट. बराबर. ख्याल आवे हूं शू कहू. रियलाइज्ड यानी बेचना. यू आर सेलिंग प्लांट फॉर 10,000. अगर आपने प्लांट बेचा है, कैश कम्स इन डेबिट. यहां कैश के बदले क्या लिखेंगे? बैंक. तो यहां पर कैश अथवा जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर प्लांट कितना? 10,000 से ना. ओके. बाय जॉइंट बैंक प्लांट 10,000. हो गया. नेक्स्ट रुपीज 9 lakhs बींग 75% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. मीनिंग समझवानो ट्राई करो. 9 lakhs बींग 75% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड थ्रू द ड्राफ्ट. ओके. 9 lakh 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट विल लूज लॉट ऑफ योर मार्क्स फ्रॉम योर मार्कशीट. यू विल लूज इट. कैसे करेंगे? शांति दी. 9 lakhs बींग 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. गुजराती में कहिए ने तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना 75% कैश में मळ्या अने अमाउंट केटली छे? 9 lakhs. सो बहुत आसान तरीके से मैं यहां बता रहा हूं. आपने कैलकुलेशन लिख दिया होगा. ओके. लेट मी रब आउट नाउ दिस. ओके. सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी 75% में 9 lakhs है तो 100% पर कितना? 12 lakhs. ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. यहां पर दिक्कत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. तुमने शू कह दिया कि 9 lakhs तुमने मड़ा. इट इज 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. 75% पर 9 lakhs है तो 100% पर कितना? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा? 12 lakhs. इसमें से कैश कितना मिला? लो यहां लिखिए आपको कैश 9 lakhs. तो बाकी ने अमाउंट तो शू है? दैट विल बी मेंशन. जोई ले. ऑन द कंप्लीशन सॉरी 9 lakhs बींग 75% अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड थ्रू ड्राफ्ट એટલે કેશ. ડ્રાફ્ટ એટલે કેશ બેંક કહેવાય. એન્ડ 12% ડિબેન્ચર્સ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ બેલેન્સ ફોર ધ બેલેન્સ ફોર ધ બેલેન્સ 12% ડિબેન્ચર્સ રિસીવ. બેલેન્સ એટલે 12% ડિબેન્ચર કેટલાના કહેવાય? 3 lakhs. આપ કોઈ ભી બિઝનેસ કર રહે હૈ, કોન્ટ્રાક્ટ તય કિયા હૈ, યુ આર રિસીવિંગ 9 lakhs વિચ ઇઝ 75% ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सॉरी 12 lakhs. 9 lakhs कैश अने बैलेंस अमाउंट माटे शू मळ्युं? डिबेंचर्स. यहां गलत क्या हो सकता है? कुछ स्टूडेंट्स क्या मानते हैं? 9 lakhs कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसके 75% करते हैं, वो गलत हो जाएगा. यहां पर 9 lakhs बींग 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस એટલે જે 9 lakhs આપ્યા છે એ ખરેખર કેટલા પરસેન્ટ છે? 75. તો મેને યહાં લિખા 75 એ 9 lakhs હોય તો 100% કેટલા?
અને 25 કરો તો ડાયરેક્ટ ડિબેન્ચર મળે, બરાબર. હવે બંને અમાઉન્ટ્સ તમે રિસીવ કરી છે, ઇન્કમ્સ આર ક્રેડિટેડ. શાંતિથી જો એવું હોય તો આની જર્નલ એન્ટ્રી પણ હું હમણાં લખીશ, જસ્ટ અ મિનિટ લખી દઉં આ બાજુ. લેટ મી રાઇટ ડાઉન ઓન ધીસ સાઈડ. 12% ડિબેન્ચર્સ 3 લેખ, જો જોઈન્ટ બેંક ડેબિટ 9 લેખ, ડિબેન્ચર ડેબિટ 3 લેખ અને 2 જોઈન્ટ વેન્ચર 12 લેખ. જોઈ લો, હું એન્ટ્રી બી સમજાવું છું, ભૂલ પડે જ નહીં. યુઝ્યુઅલી શું હોય, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ડાયરેક્ટ આપી દીધી હોય. સપોઝ 99% કેસીસ મેં કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ દે દેતે હૈ, યહાં પર કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ નહીં દિયા હૈ, અને તમે જો માર્ક લાવવા માટે ભણતા હોય ને, 12 લેખ કેલ્સી ઉપર મૂકો તો અને એના 75% કરો, યુ આર ગેટિંગ 9 લેખ. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ ધીસ નાઉ? પરિવાર, આ બીજી કઈ રીતે પૂછાય, યે દૂસરી કેસી તરહ સે પૂછતે હૈ. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ 12 લેખ, 75% રિસીવડ ઇન કેશ એન્ડ 25% ઇન ડિબેન્ચર. તો આસાન હો ગયા કે ભાઈ 9 લેખ કેશ એન્ડ 3 લેખ ડિબેન્ચર્સ. યહાં ટ્વિસ્ટ ક્યા હૈ, પૂરા ટ્વિસ્ટ મેને યહાં પર સોલ્વ ક્યા. નાઉ આઈ એમ પોસ્ટિંગ, જો પૈસા મળ્યા, વી આર રિસીવિંગ ક્રેડિટ, બરાબર. ઓકે, તો યહાં પર એક યે અકાઉન્ટ બનાના પડેગા ડિબેન્ચર કા, ક્યોંકિ ડિબેન્ચર રિસીવ કિયે હૈ. કુછ લોગ નહીં બનાતે, લેકિન મેં નહીં બનાવુંગા તો આપકો જ્યાદા પતા નહીં ચલેગા. સો આઈ એમ પ્રિપેરિંગ ધીસ અકાઉન્ટ ઓલ્સો. મેં આ છોટા અકાઉન્ટ બના દેતા હું, ક્યાં બનાવીશું બોલો? અહીંયા બનાવી દઉં છું આ બાજુ. ઓકે, 12% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ. ઓકે, અબ પોસ્ટિંગ જો, ખતવણી સાદી. ઇન્કમ અહીંયા ક્રેડિટ થશે બાય જોઈન્ટ બેંક 9 લેખ, બાય ડિબેન્ચર્સ 3 લેખ. બેંક મેં ડેબિટ કરેંગે 2 જોઈન્ટ વેન્ચર, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ 9 લેખ, 2 જોઈન્ટ વેન્ચર 3 લેખ. પરિવાર, ઇન્કમ હૈ, યહાં ક્રેડિટ કરેંગે, લેકિન અમાઉન્ટ કેસે બના હૈ? 9 લેખ કેશ, તો બેંક મેં મેને લિખા, કેશ બેંક દોનો એક હી હોતે હૈ યહાં પર. બેંક ડેબિટ, ડિબેન્ચર ડેબિટ, 2 જોઈન્ટ વેન્ચર. કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન બને, એની બે ઇફેક્ટ આપવાની, અકાઉન્ટ કભી ગલત નહીં હોગા. પરિવાર સમજો, મેં 5મી વાર બોલ રહા હું. જો બેંક ડેબિટ થઈ ગયો, વેન્ચર ડિબેન્ચર ડેબિટ, 2 જોઈન્ટ વેન્ચર હો ગયા 12 લેખ, બરાબર. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ સેડ ફર્ધરલી, વિચ વેર પરચેસ, જો ફરીવાર બોલું છું, 9 લેખ વોઝ રિસીવડ થ્રુ ધ ડ્રાફ્ટ એન્ડ 12% ડિબેન્ચર્સ વેર રિસીવડ ફોર ધ બેલેન્સ, વિચ વેર પરચેસ્ડ બાય કિરીટ એટ 20% લેસ ધેન ફેસ વેલ્યુ. હમકો જો ડિબેન્ચર મિલે, વો ડિબેન્ચર સપોઝ મેરા નામ કિરીટ હૈ, તો મેને પરચેસ ક્યા કોન સે દામ પર, 20% લેસ ધેન વેલ્યુ, બરાબર. શાંતિથી જુઓ, આ કેલ્ક્યુલેશન હું રબઆઉટ કરું છું, બીજી એન્ટ્રી સમજાવું છું. આપને લિખ દયા હોગા, ઓકે, ચલો ભાઈ, યે જો ડિબેન્ચર્સ તમે સમજો, યે એન્ટ્રી તો આપકો પતા ચલ ગઈ. અબ જો ડિબેન્ચર્સ હમકો મિલે હૈ 3 પાર્ટનર્સ કો, ઉસમેં સે મેં યે ડિબેન્ચર લે રહા હું, કેસે લે રહા હું? 20% લેસ ધેન વેલ્યુ. ડેબિટ હતા, હવે શું થઈ જાય? ક્રેડિટ. એન્ડ હુ ઇઝ ટેકિંગ ઇટ? મિસ્ટર કિરીટ. સો એન્ટ્રી ક્યાં બનેગા? કિરીટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, 2 12% ડિબેન્ચર્સ, યે 3 લેખ થે 20%, યાની 240. આપ કેલ્સી પે ચેક કરે, બિલકુલ ટેન્શન લેને કી જરૂરત નહીં હૈ. આપકા દિમાગ થોડા હડબડા ગયા, મેરે કો પતા ચલા. જો ડિબેન્ચર મળ્યા, આપણે સપોઝ મી એન્ડ યુ આર ડુઇંગ ધ બિઝનેસ, વો ડિબેન્ચર મેં લે રહા હું, પહેલે ડેબિટ ક્યા થા, ક્યા કરેંગે? ક્રેડિટ, બરાબર. કોણ લે થે? કિરીટ. સો કિરીટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, લોસ, લોસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. લેકિન હમ યહાં ક્યા બના રહે? જોઈન્ટ વેન્ચર. કિતના આસાન હૈ, કિરીટ ડેબિટ, જોઈન્ટ વેન્ચર ડેબિટ, 2 12% ડિબેન્ચર્સ. આઈ એમ પોસ્ટિંગ ધેટ, 2 ડિબેન્ચર્સ
240, joint venture debit, two debentures loss, that is 60,000, दोनों अमाउंट यहां क्रेडिट होंगे बाय किरिट्स अकाउंट 240, जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000, कॉटेज लेजर पोस्टिंग खत्म होने परिवार दसवीं बार बोलू छू, जॉइंट क्या लिखा, केस अकाउंट डेबिटेड डेबिट, जॉइंट वेंचर डेबिट, बंदे अमाउंट क्या क्रेडिट थे डिबेंचर से, कॉटेज नाउ आई थिंक नथिंग इज रिमेनिंग, ओके प्रिपेयर अकाउंट्स, ओके ऑल द ट्रांजेक्शन्स हैव बीन कंप्लीटेड, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स। मैं कभी कैंसी का यूज नहीं करता हूं अकाउंटेंसी में, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करूंगा, आई एम डूइंग ऑल द टोटल्स माई सेल्फ, ओके। तो बिल्कुल इत्मीनान से आप धीरज रखें। 1285 60,000 डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये तो खबर पड़े ना, हमने जो बिजनेस किया वहां प्रॉफिट कितना मिला, 60,000। टू प्रॉफिट किसे मिलेगा, किरिट नीलेश एंड राजेश, उसका प्रपोर्शन दिया, मैं एक बार देख लेता हूं, मैं भूल गया अभी मैं बोला था, जस्ट मिनट। 3:2:1 बहुत आसान है भाई, 3:1, यहां कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। 30,000, 20,000, 10,000, थोड़ा शॉर्ट में लिखा, डेबिट क्रेडिट 30,000 बराबर, जस्ट अ मिनट, यह मिक्सचर है, जॉइंट वेंचर था, प्रॉफिट 20,000, प्रॉफिट 10,000, गॉट इट। ये आपको पता है पार्टनरशिप में भी पढ़े थे, प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जॉइंट वेंचरर बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, तीनों के अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, कैसे, 30,000 65,000 डिफरेंस आ रहा है, सभी डिफरेंस कहां जाएंगे, बैंक में। पर एक बार दीजिए, 330 है, ओके, डेबिट क्रेडिट किरिट्स अकाउंट 65, यहां पर करेंगे, ये तो क्लोज हो जाता है हर बार, 235 डिफरेंस, आप कैसे पे करना भाई, आप कोई रिस्क मत लेना, मैं यहां राउंड कर रहा हूं, चलो राउंड कर ही दो छो, टू जॉइंट बैंक, ओके, यहां बाय नीलेश अकाउंट 235,000 और मिस्टर राजेश 110,000, प्लीज प्लीज प्लीज, आ डिफरेंस है, हूँ डायरेक्ट करता हूं जो कैल्सी वगैरह, तो मैं कैल्सी ऊपर डिफरेंस हो देना को, इनफैक्ट अगर मेरा कुछ भी गलत होगा तो ये आंसर नहीं आएगा, दैट विल बी लास्ट प्रूफ, टू जॉइंट बैंक यहां पर बाय राजेश अकाउंट 110,000, थैंक यू टोटल मैंने कर लिया, देख लेते फिर एक बार, 1450 ज्वाइंट बैंक का टोटल मिल जाता है। वंस अगेन हाउ आई हैव क्लोज द अकाउंट्स, सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढा, लॉस होता तो लॉस ढूंढते, तीनों को क्रेडिट किया मैंने, यहां डेबिट किया, तीनों को क्रेडिट किया, फिर तीनों के अकाउंट्स क्लोज करके जो डिफरेंस आया वो कहां पर ले गया मैं, जॉइंट बैंक में, अने फाइनली जॉइंट बैंक ने बनने साइड इक्वल था अगर आपने सही कैलकुलेट किया है तो। मैंने लाइव वर्क किया, आई होप यू आर गेटिंग इट, कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को बताइए, ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आप दूसरे इस टाइप के कोई भी सम्स कर सकते हैं, बराबर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।